हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। 7 बजे हम रोज मिलते हैं, 7 o'clock हम रोज मिलते हैं, और यहां पर हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स को कुछ इस अंदाज में कि आपको आने वाले सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भरपूर फायदा मिले, उसका अटमोस्ट बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ तो रोज जुड़ते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नए जुड़ेंगे उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो हम बता दें कि हम करंट अफेयर्स को किस अंदाज में पेश करते हैं। तो जी हाँ, हम सेगमेंट्स में बांटकर इसको पेश करते हैं। मतलब पहले नेशनल न्यूज, मतलब राष्ट्रीय खबरों को, इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, बैंकिंग, फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, अग्रीमेंट, मिसलेनियस न्यूज, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस की खबरें, स्पोर्ट्स की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज की खबरें, मतलब तमाम उन खबरों और सेगमेंट्स के ऊपर निगाह रखी जाएगी जहां से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है और वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की जाएगी, और अंत में आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ 10 to 12 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, जिसे हमने क्विज की संज्ञा दी है, क्विज का नाम दिया है, वो भी हम आपसे पूछेंगे, सवाल जवाब आपसे करेंगे कि देखते हैं कि आपने सेशन को कितना ध्यान से सुना है। और उम्मीद करते हैं कि एज इट इज जो वो एमसीक्यू है वो आपके पेपर में एज इट इज वैसे ही आ जाए। तो इसी के साथ मैं अपने अंदाज में आपको बोलूंगा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जुड़ जाइए हमारे साथ और चलते हैं सफर की तरफ, समय को बिना जाया किए हुए। और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी, एक रिक्वेस्ट ये कि इतने महीनों से हम ये शो कर रहे हैं और आपको क्या करना है, जितने एफर्ट्स हम और टेक्निकल टीम लगाती है और जितने एफर्ट्स आप लगाते हैं, उसके अंदर चार चांद तभी लगेगा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और उनका जब गैदरिंग होगा, सजेशंस आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके अंदर क्वायरी, सजेशंस, कुछ सीखेंगे हम, कुछ सीखेंगे आप। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो लाइव स्ट्रीम आपके सामने चल रही है ना, उसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, अपने तमाम दोस्तों के साथ कि वो भी आपके साथ जुड़ जाएं। तो चलते हैं अपने सफर की तरफ, जहां पर हम अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। और पहला सेगमेंट आपके सामने, नेशनल न्यूज, भारत की ताजा खबरें। और पहली खबर, इंडिया स्लिप्स टू 6th spot इन बिज ऑप्टिमिज्म इंडेक्स। तो बिज ऑप्टिमिज्म सूचकांक में भारत 6th स्थान पर आ गया है। तो यहां पर बिज का मतलब है बिजनेस, ऑप्टिमिज्म का मतलब है आशावादी, मतलब बिजनेस करने के लिए कितना आशावादी है आपका देश और वहां के नियम, वहां के कानून, वहां के रूल्स, रेगुलेशंस कितने ऑप्टिमिस्ट हैं। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो नीचे गिरा है और 6th स्थान पर आया है आउट ऑफ 37 कंट्रीज। तो 37 कंट्रीज में इंडिया का स्थान 6th नंबर पे है। तो आपको क्या याद रखना है, ऐसी रैंकिंग, ऐसे सर्वे और ऐसे इंडिसेस, ऐसे सूचकांक के बारे में पेपर के अंदर क्या पूछा जाता है, भारत का रैंक और पहले स्थान पर कौन रहा, वो जरूर पूछा जाता है। तो पहली खबर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा डिटेल में लेकर चलते हैं। विद बिजनेस सेंटिमेंट एट द वीकेस्ट इन 4 ईयर्स, 4 सालों में जो बिजनेस का हमारा माहौल रहा है थोड़ा कमजोर रहा है ड्यू टू जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन, इंडिया स्लिप टू 6th पोजीशन ग्लोबली इन द बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स फॉर द 1st quarter ऑफ दिस ईयर। बिजनेस ऑप्टिमिज्म इज हाउएवर एट एन ऑल टाइम हाई ग्लोबली विद द इंडेक्स एट नेट 61%। 4 सालों में देखें तो नीचे गया, लेकिन ऑल टाइम देखें तो हमारा हाई गया है 61% एज पर ग्रांट थॉर्नटन क्वार्टरली ग्लोबल बिजनेस सर्वे। तो ये किसके द्वारा ये सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, तो एक कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है ग्रांट थॉर्नटन, जो यूके की कंपनी है, उनके द्वारा ये सर्वे किया गया। और इंडिया का स्कोर 89, इंडिया एज एट 6th place इन द इंडेक्स। इस सूचकांक के अंदर इंडिया का 6th स्थान है। नंबर 1 पे या टॉप 5 नेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो हो सकता है ऑस्ट्रिया, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इंडोनेशिया, नीदरलैंड एंड द यूएस। तो पहली कंट्री का नाम याद रख लीजिए ऑस्ट्रिया, और इंडिया का स्थान क्या है 6th, कौन से इंडेक्स के अंदर, बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स के अंदर 2018, डन बाय ग्रांट थॉर्नटन कंपनी है, जो यूके की कंपनी है। अगले न्यूज की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है ये भी, नेपाल ग्रांट्स पावर जनरेशन लाइसेंस टू इंडियन कंपनी। नेपाल सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को बिजली उत्पादन लाइसेंस दिया। तो यहां पर देखिए, नेपाल ग्रांट्स पावर जनरेशन लाइसेंस टू इंडियन कंपनी, तो नेपाल ने भारतीय कंपनी को पावर लाइसेंस दे दिया कि आप यहां पर एनर्जी का
जनरेशन कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं. तो इंडियन कंपनी, और उस इंडियन कंपनी का नाम है SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम. विद्युत का मतलब क्या होता है? तो विद्युत का मतलब होता है पावर, एनर्जी. तो यहां पर करते हैं इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में. नेपाल हैज ग्रांटेड एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडरी द पावर जनरेशन लाइसेंस फ्रॉम 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेज अहेड ऑफ पीएम नरेंद्र मोदीज टूडे विजिट टू द कंट्री फ्रॉम मे 11. तो 11 मई को जो देश का दौरा करेंगे, तो उस देश के दौरे से पहले ये एक लाइसेंस दिया गया है नेपाल के द्वारा हमारी भारतीय कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम को, कि वो पावर जनरेट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल IBN रिसेंटली ग्रांटेड द लाइसेंस टू सतलुज जल विद्युत निगम पावर डेवलपमेंट कंपनी अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड टू जनरेट पावर फ्रॉम दी अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन ईस्टर्न नेपाल. तो पूर्वी नेपाल के अंदर जो अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए और उससे पावर जनरेट करने के लिए मंजूरी दे दी है नेपाल सरकार ने. तो परमिट वॉज ग्रांटेड इन द लाइन विद द डिसीजन ऑफ 30th मीटिंग ऑफ IBN बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयर्ड बाय PM KP शर्मा ओली ऑन April 28 अकॉर्डिंग टू एन IBN ऑफिशियल. तो यहां पर KP शर्मा ओली के अध्यक्षता में यह फैसला किया गया. तो आपको क्या याद रखना है कोड वर्ड, कि नेपाल ने भारतीय कंपनी को पावर जनरेशन का लाइसेंस दे दिया है, और वो भारतीय पावर कंपनी कौन सी है? तो इंडिया गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम. और ये कहां से पावर जनरेट कर सकता है? तो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुण 3 से. तो आगे चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ. और आपको क्या करना है, नेपाल के स्टैटिक जीके के बारे में बताना है. मतलब नेपाल के बारे में आपको जितनी जानकारी पता है, प्लीज उसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. हम आपकी तरफ जरूर आएंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे. और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ बढ़ते हैं. और पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर, सेप्टेम्बर 2019 क्लाइमेट समिट टू बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क, UN चीफ. तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है, महासचिव जो है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो फॉर्मर PM पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं पुर्तगाल के, वो अभी UN सेक्रेटरी जनरल हैं. उनके द्वारा क्या कहा गया कि सितंबर 2019 में जो क्लाइमेट समिट होगा, 2015 में ये हुआ था पेरिस में, और 2019 सितंबर में ये कहां पर होगा? तो ये न्यूयॉर्क में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में होगा. तो सितंबर 2019 जलवायु सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा. तो UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है. तो ये न्यूयॉर्क में होगा, कहां पर? 2019 में न्यूयॉर्क में किया जाएगा क्लाइमेट समिट, जलवायु सम्मेलन जो है ये आयोजित होगा USA के UNO के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में. किनके द्वारा यह घोषणा की गई है? एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा यह घोषणा की गई है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है. लास्ट जो क्लाइमेट समिट था, जलवायु परिवर्तन समिट जो था, वो कहां पर हुआ था? पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में. तो UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अनाउंस टू होल्ड अ क्लाइमेट समिट इन सेप्टेंबर 2019 इन न्यूयॉर्क टू रिव्यू द कमिटमेंट्स ऑफ द 2015 पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज. The announcement was made at the opening ceremony of 37th session of UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean. तो यहां पर उन्होंने कहा कि 2019 में ये न्यूयॉर्क में किया जाएगा, और 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के अंदर किए गए वादे को रिव्यू करने के लिए, उसका दोबारा से देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि वो कितना आगे बढ़ा है और कौन कौन से देशों ने उनको मान्यता दी है, उसको रिव्यू करने के लिए ये मीटिंग जो है सितंबर 2019 में बुलाई जाएगी, क्लाइमेट समिट. और ये अनाउंसमेंट उन्होंने कहां पे किया? तो एक लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक कमीशन की एक मीटिंग चल रही थी, जहां पर UN सेक्रेटरी जनरल ने इसकी अनाउंसमेंट करी. इन मार्च 2018 गुटेरेस अपॉइंटेड फॉर्मर न्यूयॉर्क मेयर माइकल ब्लूमबर्ग as his special envoy for climate action, who was tasked to support the United Nations in its climate strategy and in organizing the 2019 summit. So, yahan pe pucha ja sakta hai ki UNO ke Secretary General Antonio Guterres ke dwara 2019 mein, 2019 mein jo climate summit hoga na, uska special envoy, uska vishesh doot kise banaya gaya hai? To us vishesh doot ka naam hai Michael Bloomberg, former mayor of न्यूयॉर्क. तो न्यूयॉर्क के फॉर्मर मेयर माइकल ब्लूमबर्ग को स्पेशल एनवॉय बनाया गया है क्लाइमेट समिट 2019 का, जो कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर. स्टैटिक जीके रिलेटेड टू UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड
आपके सामने स्टैटिक जीके है, क्विक फैक्ट्स है। ये फाउंड कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेरेस। आगे चलेंगे और ये बहुत बड़ी खबर, आज का जो अखबार है, आज के जितने भी न्यूज़पेपर आप देखिएगा उसके प्रथम पन्ने के ऊपर या इंटरनेशनल न्यूज के अंदर सबसे बड़ी खबर, और जिसका प्रभाव जो है वो भारत के ऊपर भी पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि ईरान और भारत बहुत बड़ा सहयोगी है और चाबहार पोर्ट बनने की भी संभावना, जिसको एक बहुत बड़ा धक्का कह सकते हम लगा है। तो यहां पर कौन सी सबसे बड़ी खबर है? तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिससे ईरान और ईरान की इकोनॉमी को झकझोर दिया है, और वो खबर है यूएसए विड्रॉज फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान परमाणु सौदे से बाहर हुआ अमेरिका। बहुत बड़ी खबर, यूएसए ने 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता किया था न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, परमाणु ऊर्जा के ऊपर ईरान के साथ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद घोषणा करी थी कि इस चीज को मैं हटा दूंगा, और अब उन्होंने जाकर इस डील को उन्होंने खत्म किया, समझौते से बाहर हो गया, और उन्होंने दोबारा ईरान के ऊपर परमाणु प्रतिबंध लगा दिया जिससे ईरान को आने वाले समय में बहुत नुकसान हो सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड यूएस विड्रॉल फ्रॉम 2015 लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विद ईरान। Mr. Trump signed a fresh set of sanctions against Iran and warned countries against any cooperation with Tehran on its controversial nuclear weapon program. तो उन्होंने मंजूरी देने से मना कर दिया और नए प्रतिबंध लगा दिए, और उन्होंने दूसरे देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर वो तेहरान, मतलब ईरान की कैपिटल तेहरान, मतलब अगर वो ईरान को सहयोग करेंगे तो उसका नतीजा उनको भुगतना होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट द डील गेव ईरान मिलियंस इन कैश एंड डिड नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस डील के अकॉर्डिंग क्या होना था कि ईरान को मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो कैश में आना था, और ईरान खुले तौर पर अपने परमाणु हथियार बना सकता था और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब अमेरिका के पीछे हटने से उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। द हिस्टोरिकल न्यूक्लियर डील वॉज रीच्ड इन वियना इन जुलाई 2015 बिटवीन ईरान एंड द P5। देखिए ये डील कहां हुआ था, 2015 में ये डील हुआ था बिटवीन ईरान और यूएस, परमाणु डील, न्यूक्लियर डील, कहां पर? वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, 2015 में हुआ था। P5 का मतलब क्या है? तो यूएसए, ईरान और परमानेंट फाइव कंट्रीज, तो परमानेंट फाइव कंट्रीज ऑफ यूएनओ, यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, और अलोंग विद जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, इन सभी देश और संगठन ने मिलकर ये ऐतिहासिक समझौता साइन किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इस ऐतिहासिक समझौते से बाहर हो गए हैं, यूएसए को बाहर खींच लिया। तो बहुत बड़ी खबर स्टडी जी के, तो फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये पांच देश हैं जो परमानेंट फाइव हैं। तो कई बार इसको P5+1 भी बोलते हैं, परमानेंट फाइव प्लस वन, तो पांच कंट्रीज तो ये होगी, प्लस वन किसको डिनोट किया जाता है? जर्मनी को, एज एडिशनल परमानेंट मेंबर माना जाता है जर्मनी, P5+1। तो जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन भी वहां पर मौजूद रहा इस ऐतिहासिक समझौते में। तो जल्दी से मुझे ईरान के क्विक फैक्ट्स के बारे में बताइए, मैं जल्दी से आपकी तरफ आ रहा हूं, और मैं आ भी चुका हूं एग्रीमेंट का न्यूज कर लेते हैं। और एग्रीमेंट की खबर, समझौते की खबर भी बहुत बड़ी, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जैसे हमारे इंडिया में इसरो है, उसी तरह से पूरे विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध अमेरिका का जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नासा। तो नासा और दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी जो है वो है उबर। तो नासा और उबर टीम अप टू मेक फ्लाइंग कार्स अ रियलिटी, हवा में उड़ने वाली कार को वास्तविक बनाने के लिए नासा और उबर टीम में समझौता हुआ है। तो उबर और नासा के बीच में यह समझौता हुआ है कि भविष्य में वो उड़ने वाली कार भी बना सके, जो तस्वीर में आपको दिख रही है। और द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन साइंड अ स्पेस एक्ट अग्रीमेंट विद उबर टेक्नोलॉजीज टू एक्सप्लोर कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू अर्बन एयर मोबिलिटी फॉर फ्यूचर एयर ट्रांसपोर्टेशन सच एज फ्लाइंग कार्स इन पॉपुलेटेड एरियाज। उसका नाम क्या रखा हुआ उन्होंने? UAM, अर्बन एयर मोबिलिटी।
और ये फ्लाइंग कार्स की तरह ही होगा जो उड़ सकेंगे हवा में और आपको ट्रैफिक से बचा सकेंगे। और ये सपना सच हो सकेगा कि हम कभी ट्रैफिक में फंसते थे तो ये सोचते थे कि काश हम उड़कर ऊपर से निकल जाते हैं, तो अब वो काश जो है वो वास्तविकता में, सच्चाई में, रियलिटी में तब्दील होने वाला है जो नासा और उबर करेगी। तो आपको क्या याद रखना है कि कभी भी ऐसा कोई न्यूज आ जाए या क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में और पूछा जाए कि फ्लाइंग कार्स को बनाने का सपना कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर देख रही है, तो नासा अलोंग विद उबर। तो अंडर द अग्रीमेंट उबर विल शेयर इट्स प्लान्स विद नासा फॉर इंप्लीमेंटिंग द अर्बन एविएशन राइट शेयर नेटवर्क। तो उबर जो है अपना राइट शेयर नेटवर्क जो है वो नासा के साथ शेयर करेगा और इंप्लीमेंटेशन करने में सहयोग करेगा। स्टैटिक जी के रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, दिस न्यूज, अर्बन एयर मोबिलिटी इज अ सेफ एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर एयर व्हीकल्स पायलटेड और नॉट टू मूव पैसेंजर्स एंड कार्गो विद इन अ सिटी। जिम ब्रिंडनस्टाइन हैज बिकम द 13th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के चीफ कौन बने रिसेंटली? जिम ब्रिंडनस्टाइन। और नासा कब फाउंड किया गया था? 29 जुलाई 1958 में फाउंड किया गया नासा। हेडक्वार्टर कहां पे है नासा का? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। आगे चलते हैं बिजनेस और फाइनेंस की न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स जो है यहां पे जरूर लिए जाएंगे। और बहुत खूब ईरान की कैपिटल तेहरान, ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, और आप सभी का आंसर यहां पे बहुत खूब, और करेंसी इज रियाल। तो ईरान की कैपिटल तेहरान, ईरान की करेंसी इज रियाल, और ईरान के प्रेसिडेंट का नाम हसन रूहानी। तो बहुत बढ़िया आप सभी का यहां पर उत्तर। और जो मैंने क्वेश्चन नेपाल के बारे में भी पूछा था, एग्जैक्टली आप सभी का उत्तर नेपाल के बारे में भी सही है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया, नेपाल के संसद का नाम, नेपाल के पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रीय पंचायत या नेशनल पंचायत बोलते हैं, नेपाल के पीएम का नाम केपी शर्मा ओली, और नेपाल की प्रेसिडेंट का नाम विद्या देवी भंडारी। तो आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत खूब, और आप इसी तरह से यहां पर पार्टिसिपेट करते रहिए। और आपको करना क्या है, तो आपको इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिसे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जोड़ सकें। और कुछ सेगमेंट्स के बाद हम आपके फेवरेट जोन की तरफ आएंगे जहां पे 12 एमसीक्यूज जो है ना आपका इंतजार कर रही है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, और हम चलते हैं बिजनेस फाइनेंस न्यूज व्यापार तथा वित्त समाचार की तरफ। और बहुत बड़ी खबर देखिए, आज बहुत बड़ी बड़ी खबर आ रही है और चुनिंदा खबरें जो है हम और हमारी जो टीम है HKS & Company, उन सभी ने आपके लिए न्यूज जो चुना ना वो बहुत बेहतरीन न्यूज चुना है। तो यहां पर ये खबर भी बहुत बड़ी खबर, वॉलमार्ट बाइज फ्लिपकार्ट इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स डील। दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डील में वॉलमार्ट ने खरीदा फ्लिपकार्ट। तो वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी, उन्होंने इंडियन कंपनी फ्लिपकार्ट मतलब बिन्नी बांसल जी की कंपनी को उन्होंने खरीद लिया है, 77% स्टेक, 77% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। और ये बहुत बड़ी खबर यहां पर, यूएस बेस्ड रिटेल जाइंट वॉलमार्ट हैज कंफर्म दैट इट विल बाय 77% स्टेक इन इंडियाज लार्जेस्ट ई कॉमर्स स्टार्टअप फ्लिपकार्ट फॉर $16 बिलियन। वॉलमार्ट जो अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके मालिक जेफ बिजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी कंपनी जो झाड़ू से लेकर तमाम तरह के सामान बनाती है और बेचती है, उसे अपने स्टोर में बेचती है। तो यहां पर ई कॉमर्स का जाइंट जो है, उन्होंने वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा है $16 बिलियन में, जिसकी अमाउंट अगर इंडियन रुपीज में काउंट करें तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास ये बैठता है। द एक्विजिशन विच इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स डील इन द वर्ल्ड विल वैल्यू द होम ग्रोन स्टार्टअप एट अ रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ $20.8 बिलियन। तो यहां पर एक टंग स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग, तो वो ये चीज कि मैंने अमेजोन के मालिक जेफ बिजोस का नाम ले लिया, वो अमेज़न के मालिक हैं जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। यहां पे बात हो रही है वॉलमार्ट की, जो अमेरिका का आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी है, जो स्टोर है, जो ऑनलाइन स्टोर है हमारे इंडिया में, भारतीय वॉलमार्ट के साथ उन्होंने टाई अप किया है और यहां पर सामान बेचते हैं। तो टंग ऑफ स्लिप है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। हमने नाम जो लिया वो जेफ बिजोस का नाम लिया, जो अमेज़न के मालिक है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉलमार्ट की बात कर रहे हैं। तो यूएस बेस्ड रिटेल जाइंट वॉलमार्ट ने साइन किया है ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट का स्टेक, 77% उन्होंने खरीद लिया है विद $16 बिलियन। और फ्लिपकार्ट किसकी कंपनी है? बिन्नी बांसल जी की कंपनी है, जो इंडियन है, और इंडिया की कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदा है इतने बड़े अमाउंट से। और ये दुनिया की कहते हैं कि सबसे बड़ी डील हो सकती है ये इस काइंड की, कि रिटेल मैनेजमेंट जो है, रिटेल जाइंट वॉलमार्ट ने इस तरह के किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को खरीदा हो। द एक्विजिशन विच इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स डील इन द वर्ल्ड विल वैल्यू द होम ग्रोन स्टार्टअप एट अ रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ $20.8 बिलियन। नोटेबली सॉफ्टबैंक सीईओ
मयोशी सन हैड अनाउंस द डील बाय मिस्टेक अर्लियर इन द डे. तो आगे चलते हैं स्टैटिक जीके अबाउट वॉलमार्ट के बारे में जान लेते हैं. तो वॉलमार्ट सीईओ कौन है वॉलमार्ट के? वॉलमार्ट के सीईओ है डग मैकमिलन और फाउंडर कौन? सैम वॉल्टन. तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा. अमेज़न के मालिक जो अमेज़न है, जो ऑनलाइन कंपनी, ऑनलाइन जाइंट कंपनी है, उनके मालिक हैं जेफ बेजोस. सीईओ जो है उनके जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है. और यहां पे वॉलमार्ट की हम बात करें जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, और उन्होंने इंडियन कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है $16 बिलियन में. और वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? डग मैकमिलन. फाउंडर कौन है? सैम वॉल्टन. आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ, नियुक्ति की तरफ. तो यहां पे अपॉइंटमेंट और नियुक्ति से रिलेटेड, एफबी फेसबुक अपॉइंट्स प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव क्रिस डेनियल्स टू टेक ओवर व्हाट्सएप. तो एफबी ने व्हाट्सएप के लिए क्रिस डेनियल को प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है. तो फेसबुक जिसने व्हाट्सएप को कुछ साल पहले खरीद लिया था, तो उन्होंने प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव किसे बनाया है? क्रिस डेनियल को प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव बनाया है. तो फेसबुक हैज अनाउंस दैट द कंपनीज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट क्रिस डेनियल्स विल बी टेकिंग ओवर व्हाट्सएप आफ्टर को फाउंडर जैन कॉम अनाउंस हिज डिपार्चर रिसेंटली. तो रिसेंटली व्हाट्सएप के को फाउंडर जैन कॉम के जाने के बाद क्रिस डेनियल्स को प्रोडक्ट का एग्जीक्यूटिव बनाया गया व्हाट्सएप का. तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी कि क्रिस डेनियल्स जो है व्हाट्सएप के प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव बने हैं. देन अगली खबर, निकोल पश्निया बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मेनिया. निकोल पश्निया अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं. तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, अर्मेनियाज पार्लियामेंट इलेक्टेड निकोल पश्निया एज अ न्यू पीएम इन अ 5942 वोट. हिज इलेक्शन कम्स आफ्टर सर्जे सर्गेसन रिजिग्नेशन एज पीएम ऑफ अर्मेनिया. तो यहां पर वहां के जो पीएम थे, उन्होंने सर्जे सर्गेसन जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद अर्मेनिया के न्यू पीएम कौन बने हैं? तो निकोल पश्निया जो है उनके न्यू पीएम बने. निकोल पश्निया इज द लीडर ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, ही इज अ फॉर्मर न्यूज़पेपर एडिटर. और आगे चलते हैं और जानते हैं अर्मेनिया की कैपिटल. अर्मेनिया की कैपिटल इज येरावान. करेंसी ऑफ अर्मेनिया अर्मेनियम द्राम. और प्रेसिडेंट ऑफ अर्मेनिया अर्मन सरकिशा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. आपसे पूछा जा सकता है कि अर्मेनिया के न्यू प्रधानमंत्री, न्यू पीएम कौन बने हैं? तो उनका नाम है निकोल पश्निया. अर्मेनिया की कैपिटल येरावान, करेंसी इज ड्रैम और प्रेसिडेंट इज अर्मेन सरकिशा. आगे चलते हैं, गूगल नेम्स नितिन बावनकुले. गूगल नेम्स नितिन बावनकुले एज हेड ऑफ इंडिया क्लाउड बिजनेस. गूगल ने भारत के क्लाउड बिजनेस के प्रमुख के रूप में नितिन बावनकुले को नामित किया. तो गूगल हैड अपॉइंटेड नितिन बावनकुले एज द कंट्री हेड फॉर इट्स क्लाउड बिजनेस इन इंडिया एज द सर्च जायंट लुक्स एट टेकिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द बूमिंग डिमांड फॉर दोज सर्विसेज इन द कंट्री. बावनकुले हैज बीन विद गूगल फॉर 6 years एंड वॉज प्रीवियसली हेड ऑफ सेल्स फॉर इट्स ई कॉमर्स रिटेल एंड क्लासिफाइड्स एंड एजुकेशन बिजनेस. बावनकुले विल रिपोर्ट टू रिक हार्शमान मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक फॉर गूगल क्लाउड. तो आपको क्या याद रखना है कि गूगल ने अपने इंडिया क्लाउड बिजनेस के लिए नितिन बावनकुले को कंट्री हेड बनाया है, इंडिया का हेड बनाया. तो ये नाम मत भूलिएगा. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई. गूगल का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अल्फाबेट इंक. हेडक्वार्टर्स कहां पर है गूगल का? यूएसए. आगे चलते हैं, कार्लोस एल्वाराडो स्वन इन एज कोस्टा रिका प्रेसिडेंट. तो कार्लोस एल्वाराडो ने कोस्टा रिका राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है. तो कोस्टा रिका के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कार्लोस एल्वाराडो. कार्लोस एल्वाराडो, आपको यह नाम याद रखना है. तो कार्लोस एल्वाराडो वॉज स्वॉन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका. एल्वाराडो स्वेप्ट टू विक्ट्री अगेंस्ट कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट सिंगर फेब्रिको एल्वाराडो मुनोज. तो उन्होंने किसको हराया? तो वहां के बहुत ही फेमस सिंगर जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, फेब्रिको एल्वाराडो मुनोज को हराया. एट 39 एल्वाराडो इज द कंट्रीज यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री. तो अभी के इतिहास में अगर हम देखें तो 39 ईयर्स के एल्वाराडो जो है वो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनाए गए हैं कोस्टा रिका के. कोस्टा रिका की कैपिटल सैन होजे. देखिए यहां पर जो स्पेलिंग है जे ओ एस ई है, इसको सैन जोस नहीं पढ़ेंगे, इसको जोस नहीं बोलेंगे, इसको सैन होजे बोलेंगे. सैन होजे. और करेंसी इज कोस्टा रिकन कोलोन. करेंसी इज कोस्टा रिकन कोलोन. आगे चलते हैं रैंकिंग की तरफ, श्रेणी की तरफ, सर्वे की तरफ, और देखते हैं कि कौन सा न्यूज हमारा इंतजार कर रही है. फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड
पीएम मोदी ऑन 9th पोजीशन और शी चिनफिंग टॉप्स। फोर्ब्स के दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोगों में मोदी 9वें और शी जिनपिंग शीर्ष स्थान पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा हर साल मोस्ट पावरफुल पर्सन की एक लिस्ट निकाली जाती है और उस सबसे शक्तिशाली पीपल की लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे कौन है, चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन नंबर 1 पे थे लास्ट ईयर, उनको पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 पे शी चिनफिंग द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, देन सेकेंड नंबर पे है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, और थर्ड नंबर पे है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो 9वें नंबर पे आता है। और एक और भारतीय अगर आते हैं इस लिस्ट के अंदर तो वो है मुकेश अंबानी, जिनका रैंक है 32। और आगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन रैंक 9th ऑन फोर्ब्स 2018 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रैंक फर्स्ट, फॉलोड सेकंड नंबर पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यूएस प्रेसिडेंट थर्ड नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप, और सेकंड एंड थर्ड रैंक रिस्पेक्टिवली। द ओनली अदर इंडियन टू फीचर ऑन द लिस्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी एट 32। तो 32 स्थान पर कौन आए हैं, मुकेश अंबानी, 9वें नंबर पे मोदी, और फर्स्ट नंबर पे शी चिनफिंग चाइना के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है। फाउंड कब हुआ था फोर्ब्स मैगजीन, 1917 में, और फोर्ब्स मैगजीन का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। आगे चलेंगे अवार्ड्स की तरफ, पुरस्कार की तरफ, और पुरस्कार की सबसे पहली न्यूज, निशा भल्ला कंफर्ड विद WEF 2018 अवार्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 अवार्ड। तो निशा भल्ला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच 2018 पुरस्कार के साथ सम्मानित हुई। तो निशा भल्ला 46 ईयर ओल्ड होलिस्टिक कोच एंड कंसल्टेंट फ्रॉम मुंबई वॉज फेलिशिएटेड एट द रिसेंटली कंक्लूडेड एनुअल वुमेन इकोनॉमिक फोरम 2018 अवार्ड। द इवेंट वॉज हेल्ड एट विवांता बाई ताज द्वारका इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल 26 टू मई 1। निशा वॉज प्रेजेंटेड द एक्सीलेंट वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर हर स्पिरिचुअल सर्विस एट द इवेंट। Women Economic Forum is the largest global gathering of women entrepreneurs and leaders worldwide. तो World Economic Forum के द्वारा ये largest एक gathering होता है women entrepreneurs का, women business women का, और यहाँ पर ये award निशा भल्ला जी को दिया गया है इस award के अंदर, excellence award। आगे चलते हैं अपने quiz section की तरफ। तो इसी के साथ आज का session जो है हमारा समाप्त होता है और हम quiz session की तरफ बढ़ चुके हैं। और पहला question ये रहा आपके सामने, What is the rank of India in Business Optimism Index for the first quarter of this year? इस वर्ष की पहली तिमाही के लिए व्यापार ऑप्टिमिज्म सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत खूब, और यहां पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन आना शुरू हो चुका है, और बहुत खूब यहां पर और रोशन त्रिपाठी का पहला उत्तर आ चुका है, हरकिरण कौर, प्रांजल जायसवाल, जितेंद्र, मानसी राजहंस, हरजोत कौर संधु, बख्शी राम, आरजे, सुमन दत्ता, दीपक रजक, प्रेमिला, यश भगत, कन्हैया लाल दुबे, मनुवत्स, मिची अभ्यांग, ललित, रेनु, अनिल, आर्यन, सुमित, मधुस्मिता, दीप्ति, सुष्मिता, दिवाकर, सुमन, आरजे, रोहित गुप्ता, परिमाला, शाइनिंग कुमार, आरजे, मनसा, प्रिया, मधुस्मिता, ऋचा, कन्हैया लाल दुबे, आरजे, प्रिंस हाजी। आप सभी का उत्तर जो है वो बहुत सही है, और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज 6th नंबर पे इंडिया इस रैंक के अंदर आ। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मेनिया, अर्मेनिया के न्यू पीएम जो है, प्रधानमंत्री जो है वो कौन चुने गए हैं? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, ए बी सी और डी। और यहां पर अमित हिफसे, श्याम शाकिया, पूनम पूनन धीना, सुमित श्रीवास्तवा, निधि भाटिया, कैलाश साहू। बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन, नीरज मिश्रा, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया। इसी तरह से लाइव चैट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और इस क्विज सेशन में अल्टीमेट पार्टिसिपेशन कर सकें। अरविंद पटेल का उत्तर भी आ चुका है, हरजोत कौर संधू का पहला उत्तर आया सेकंड का, और जितेंद्र आर, प्रांजल जायसवाल, कैलाश साहू, रोशन त्रिपाठी, डिंपल मित्तल, हरकिरण, अश्विन, मधुस्मिता, नीरज मिश्रा, मानसी राजहन, सुमन दत्ता, कन्हैया लाल, आरजे, ऋचा सिंह, बख्शी राम, ललित कथाहित, मनसा, सुष्मिता, प्रिया राणा, यश भगत, रेणु चौधरी, परिमाला, पूनन, मधुस्मिता, राजीव। आप सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है, निकोल पश्निया जो है वो बिल्कुल सही उत्तर। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज निकोल
पश्निया, बिल्कुल सही उत्तर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली अप्रूव द अमेंडमेंट्स टू द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ विच स्टेट। देखिए ये आज के सेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना जो आने वाले एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स टू द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ विच स्टेट। मनुवत, सुखविंदर, इसेवाल, दीपक, रजत, रोहित गुप्ता, अमित हिवसे, बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। हरजोत कौर संधू का पहला उत्तर आ चुका है थर्ड क्वेश्चन का, बी दीपक रजक, हरकिरण कौर, अश्विन, परशोत्तम कुमार, कैलाश साहू, मधुस्मिता, यश भगत, सुमित, मानसी, मानसा। तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली बी, दिल्ली। तो कुछ स्टूडेंट्स बिहार बोल रहे थे, तो प्लीज सही कर लीजिएगा इसको, और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बी है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किस देश की अदालत ने संसदीय सीट रखने के लिए अपात्र के रूप में दोहरी नागरिकता के साथ सांसदों पर रोक लगाई? विच नेशंस कोर्ट हैज रूल्ड लॉ मेकर्स विद डुअल सिटीजनशिप एज इन एलिजिबल टू होल्ड अ पार्लियामेंट्री सीट। अगर आपके पास दोहरी नागरिकता है तो आप संसदीय सीट को नहीं रख सकते हैं। ये रूल जो है ये किस देश ने अभी लागू किया है? बिल्कुल इसका सही उत्तर जल्दी से दीजिएगा। और यहां पर हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स, कुलदीप खटक, सुमन दत्ता, सुमित श्रीवास्तव, अरविंद पटेल, आरजे, रोहित गुप्ता, अनिल धाकड़, रोशन त्रिपाठी, आप सभी का उत्तर जो है यहां पर आना शुरू हो चुका है। हरजोत कौर, जगमीत सिंह, मधुस्मिता, पुरुषोत्तम कुमार, सुष्मिता हल्दर, सुमित श्रीवास्तव, दीपक रजक, मानसा, यश भगत। और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो आप सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, विच नेशन हैज अनाउंस्ड विथड्रॉल फ्रॉम द 2015 लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विद ईरान। किस देश ने ईरान के साथ 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से निकलने की घोषणा करी है? इज इट रशिया, यूके, चाइना या यूएस? आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच नेशन हैज अनाउंस्ड विड्रॉल फ्रॉम द 2015 लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विद ईरान। और शिवम यादव, दीपक दास, ऋचा सिंह, यशस्वी वर्मा, अश्विन आनंद, कन्हैया लाल दुबे, जितेंद्र आर, रोहित गुप्ता, कैलाश साहू, बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर, और बहुत बढ़िया यहां पर सभी स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिवाकर जी, दिवाकर सिलन जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का यहां पर। और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया ईरान के साथ इस लैंडमार्क एग्रीमेंट को। छठे क्वेश्चन की तरफ, हु हैज बीन स्वॉन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टारिका? कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? परिमाला, अनुसुईया सरकार, कुलदीप खटक, मिची अभियांग, श्याम शाक्या, ऋचा सिंह, अरविंद पटेल, अमित हिवसे, भूपिंदर सिंह, नीरज मिश्रा, दीपक दास। बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। और छठे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। और इसी के साथ लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे और भी बेहतरीन शोज जो है आप टाइमली देख सकें उसे। और बिल्कुल सही उत्तर यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो चुका है। संजय कुमार, यशस्वी, प्रेमिला, प्रांजल, आप सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इज कार्लोस एल्वारेडो। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। सातवें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, विच कंट्री ग्रांट्स पावर जनरेशन लाइसेंस टू इंडियन कंपनी टू जनरेट पावर फ्रॉम द अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? कौन सा देश अरुण 3 जल विद्युत परियोजना से बिजली उत्पन्न करने के लिए भारतीय कंपनी को बिजली उत्पादन लाइसेंस प्रदान करेगा? इज इट भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार? चलो बहुत खूब यहां पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सहयोग के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए। और टेक्निकल टीम भी बहुत मेहनत करती है, और यहां पर टेक्निकल टीम को भी उसका पूरा पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। और बहुत खूब यहां पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, और सेवेंथ क्वेश्चन का भी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है। और बिल्कुल सही उत्तर सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज नेपाल। आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ, हु हैज बीन कंफर्ड विद वुमेन इकोनॉमिक फोरम 2018 अवार्ड्स? महिला आर्थिक मंच 2018 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इज इट निशा भल्ला, प्रियंका मियाल, आभा डालमिया या सलमा अब्दुलई? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा आप यहां पर। कन्हैया लाल दुबे, रामकृष्णा राजू, आरजे, दीप्ति सुवेडा,
आप सभी रामकृष्ण राजू आरजे रोशन त्रिपाठी प्रांजल शिवम यादव अनुसुईया सरकार सुमन दत्ता अजीत साहू अश्विन आनंद हरजोत कौर संधु दीप्ति डिंपल कैलाश साहू प्रिया राणा बहुत खूब आप सभी का उत्तर यहां पर बहुत खूब और आपकी आपके हर एक आंसर की तरफ मेरी पैनी निगाह जो है वो बनी रहती है और आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए दैट इज निशा भल्ला। नौवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे सितंबर 2019 क्लाइमेट समिट टू बी हेल्ड इन विच प्लेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटर्स ने सितंबर 2019 में किस स्थान पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित करने के लिए घोषणा की है कहां पर यह होगा जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा चाइना फ्रांस रशिया या न्यूयॉर्क जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा और यहां पर यश भगत सुमित कुलदीप जगमीत पूनम मानसा सुमन रेणुका राय कासिम मलिक कन्हैया लाल दुबे रामकृष्ण राजू यशस्वी वर्मा जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है न्यूयॉर्क डी तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज न्यूयॉर्क डी वेरी करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन की तरफ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी कंट्री हेड फॉर गूगल क्लाउड बिजनेस इन इंडिया भारत में गूगल क्लाउड व्यवसाय के लिए देश प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मतलब गूगल क्लाउड बिजनेस इन इंडिया का कंट्री हेड गूगल ने किसे नियुक्त किया है मोहित पांडे नितिन बावनकुले रूपा ठाकुर या शिल्पा माथुर जल्दी से इसका उत्तर दीजिए और यहां पर नाइन्थ क्वेश्चन का एग्जैक्टली राइट आंसर आप सभी ने दिया है और दसवें क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने अब देना है। दो क्वेश्चन और रह चुके हैं उसके बाद गुड डे मैसेज के साथ आज के शो का अंत करेंगे हम और टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आना शुरू हो चुका है और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी की तरफ से और टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज नितिन बावनकुले इज द वेरी करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी नितिन बावनकुले। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ विद विच कार कंपनी नासा हैज साइंड अ स्पेस एक्ट अग्रीमेंट टू मेक फ्लाइंग कार्स अ रियलिटी किस कार कंपनी ने नासा से उड़ान कारों को वास्तविकता बनाने के लिए एक अंतरिक्ष अधिनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इज इट उबर ओला ग्रैब या कैबिफाई और यहां पर 10th क्वेश्चन का राइट जो है आंसर बिल्कुल सही है और अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और 11th क्वेश्चन लक्ष्मी सैनी सुनीता कुमारी दीपक दास प्रिंस हाजी कैलाश साहू कन्हैया लाल तो चलिए यहां पर प्रांजल जायसवाल मधुस्मिता विश्वाल रोहित गुप्ता नीरज जितेंद्र हरजोत दीप्ति परिमाला अनिल मनुवत्स प्रेमिला सुखविंदर भूपिंदर अजीत साहू बहुत खूब आप सभी का उत्तर यहां पर और 11th क्वेश्चन का राइट आंसर इज उबर तो उबर टैक्सी कंपनी ने नासा के साथ ये समझौता किया है और अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं विच कंपनी बॉट इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट इन वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स डील हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट का इस रिटेल कंपनी ने अधिग्रहण किया है तो फ्लिपकार्ट का किस कंपनी ने अधिग्रहण किया है वो भी $16 बिलियन में तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा इज इट वॉलमार्ट एमेजॉन स्नैपडील या ईबे और 12th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आना शुरू हो चुका है और यहां पर बहुत खूब सभी का उत्तर यशस्वी वर्मा शिवम यादव अश्विन आनंद हरजोत कौर रामकृष्ण जितेंद्र मंगेश दीपक रोशन नीरज प्रांजल प्रिया मिची अभ्यांग सुमित हल्दर सुमित श्रीवास्तवा सुष्मिता हल्दर आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत खूब और ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल दुरुस्त और 12th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए वॉलमार्ट। और अब चलते हैं अपने गुड डे मैसेज की तरफ और आज के सेशन का अंत जो है आपके खूबसूरत पार्टिसिपेशन के साथ हो चुका है और आपके सामने ये गुड डे मैसेज जो है वो जरूर पढ़ते हुए जाइएगा टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल तो यहां पर बिल्कुल सही बात करी है कि अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो जनाब आपको सिंगल माइंडेड होना पड़ेगा डबल माइंडेड होइएगा मतलब दुविधा में फंसोगे दो बेड़ियों की सवारी करोगे दो नावों की सवारी करोगे दो किश्तियों की सवारी करोगे तो वो हमेशा लेकर डूबेगा तो यहां पर एक ही टारगेट रखिए एक टाइम पर और उसको पूरा पूरा समय दीजिए धैर्य रखिए पेशेंस रखिए और हार्डवर्क करिए सक्सेस जो है सफलता जो है आपके कदम जरूर चूमेगी। इसी के साथ हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू और आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।